स्वागत है छात्रों, आज हम बीएससी और बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड आलेखन, टिप्पण और प्रतिवेदन की चर्चा करेंगे। सो इस वीडियो में प्रतिवेदन की चर्चा नहीं की गई है, इसके लिए अलग से वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा जिसे आप देख लेंगे। इस वीडियो में हम केवल आलेखन और टिप्पण ही पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं आलेखन क्या होता है। आलेखन, जिसे अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहते हैं, आलेखन सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार के तरीकों के अनुसार पत्रों का प्रारूप और आलेख ड्राफ्ट तैयार किए जाते हैं, जिसे आलेखन कहते हैं। इसे प्रालेखन या प्रारूपण भी कहा जाता है। आलेख आवश्यकता अनुसार लिपिक या क्लर्क से लेकर अधिकारियों तक को तैयार करना पड़ता है, अतः इसकी जानकारी सभी के लिए आवश्यक है। आलेखन की जानकारी नहीं होने के कारण कार्यालय की कार्यक्षमता गिरने के साथ साथ काम पूरे होने में भी अनावश्यक देरी लगती है, अतः इसका ज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और इतना नहीं छात्रों, केवल कार्यालयों में ही नहीं, हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कई सारे ऐसे अवसर आते हैं कि हमें एक एप्लीकेशन या पत्र के द्वारा ही अपने काम को पूरा कराना होता है, और पत्र के द्वारा अपना काम कराना ज़्यादा हमारे लिए अधिक प्रामाणिक होता है और उसकी वजह से काम भी तेजी से होता है, जिसके लिए हमें इन सब विषयों की जानकारी होना आवश्यक है। सो आलेखन पत्राचार का एक अंग है। समाज के विकास के साथ आलेखन के भिन्न भिन्न रूप विकसित होते रहे हैं, विशेषकर सरकारी सेवाओं में और कार्यालयों में काम करने वालों के लिए आलेखन में निपुण होना आवश्यक है। तो यह इसलिए क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, और वह आलेखन में अगर व्यक्ति नहीं निपुण है तो उसे काम करने में भी बहुत सारी परेशानियां आती है। सो इसकी दो विशेष बातें जरूरी है कि पहला है भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा आलेखन के विविध रूपों, अलग अलग रूपों और उसके कुछ नियमों की जानकारी सभी को होना चाहिए। आलेखन की सफलता शुद्ध, सुगठित और परिमार्जित भाषा पर निर्भर करती है, तथा भरपूर शब्द संपदा अर्थात वोकैबुलरी भी होना चाहिए। यहाँ आलेखन से हमारा तात्पर्य सरकारी कार्यालय में व्यवहार आलेखनों से है, इसे प्रारूप भी कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि आलेखन के कितने प्रकार होते हैं। वे दो प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक आलेखन जिसे एलिमेंट्री ड्राफ्टिंग कहते हैं, और दूसरा है उन्नत अथवा उच्चतर आलेखन, एडवांस्ड ड्राफ्टिंग। प्रारंभिक लेखन क्या होता है वह हम देखेंगे। प्रारंभिक लेखन में वैयक्तिक और सामाजिक पत्राचार आते हैं। इनके अंतर्गत पारिवारिक पत्र, आवेदन पत्र, पदाधिकारियों से पत्र व्यवहार, व्यवसायिक पत्र, संपादक के नाम पत्र, निमंत्रण पत्र आदि होते हैं। और उन्नत अथवा उच्चतर आलेखन, एडवांस ड्राफ्टिंग क्या है। उच्चतर आलेखन में सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के पत्राचारों का समावेश होता है। सो उच्चतर आलेखन का स्वरूप इस प्रकार होता है। आलेखन का अभिप्राय मोटे तौर पर पत्रों, सूचनाओं, परिपत्रों और समझौतों के आलेख अथवा मसौदे या बॉडी ऑफ द लेटर तैयार करने से है, जिनकी आवश्यकता सरकारी दफ्तरों या कार्यालयों या प्राइवेट फर्मों तथा संस्थाओं में हर दिन पड़ती रहती है। आलेखन की जानकारी न केवल सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले लिपिकों, क्लर्कों को और सहायकों को होनी चाहिए, बल्कि अन्य व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी जरूरी है। सरकारी कार्यालयों से अनेक प्रकार के पत्र, आदेश, परिपत्र, अधिसूचनाएं भेजी जाती है। इनका आलेख लिपिकों के उच्चतम अधिकारियों तक किसी को भी तैयार करना पड़ सकता है। अतएव केंद्रीय सचिवालय और राज्य सचिवालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आलेखन का ज्ञान होना आवश्यक है। सो यहाँ पर फिर से मैं एक विशेष बात कहूंगी छात्रों, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही इसकी जानकारी होना आवश्यक नहीं है, हर व्यक्ति को इन सब छोटी छोटी बातों की जानकारी होना चाहिए। आगे हम देखते हैं आलेखन के संबंध में कुछ आवश्यक बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आलेख तैयार करते समय आलेखकों को इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला है विषय। आलेख का विषय आसानी से समझ में आ जाए इस प्रकार बनाना चाहिए। बातों में अस्पष्टता नहीं होना चाहिए और सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। निर्देश, रेफरेंस,
यदि आलेख में प्रस्तुत विषय के साथ पिछले पत्र व्यवहार का संबंध जुड़ा हो तो आलेख में उसका निर्देश भी होना चाहिए, क्योंकि विषय की पृष्ठभूमि जाने बिना आलेख को समझना कठिन होता है। विभाजन तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक आलेख को तीन भागों में विभाजित करना चाहिए। पहले भाग में विषय का स्पष्ट कथन सप्रसंग होना चाहिए, दूसरे भाग में विषय का युक्तिपूर्ण समर्थन होना चाहिए, तीसरे भाग में प्रस्तुत तर्क युक्तियों के आधार पर निष्कर्ष देते हुए सिफारिश या रिकमेंडेशन देना चाहिए। चौथा पॉइंट है क्रम संख्या का आलेख। यदि आलेख लंबा हो तो प्रत्येक अनुच्छेद के स्थान पर क्रम संख्या पॉइंट्स लिखना चाहिए। निबंध के जैसे यह पत्र नहीं लिखा जाता है, ना ही इसे पैराग्राफ में लिखना चाहिए, बल्कि 1, 2, 3, 4 डाल के पॉइंट्स बनाकर छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके आलेख तैयार करना चाहिए। पांचवा है भाषा। आलेख की भाषा साहित्यिक या आलंकारिक भाषा नहीं होना चाहिए। इसे अत्यंत सरल किंतु सीधे और स्पष्ट कथन होना चाहिए तथा भाषा बहुत शिष्ट होना चाहिए। बोलचाल के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और एक शब्द का एक ही अर्थ निकले ऐसे वाक्य बनाना चाहिए। उदाहरण देना चाहिए। यदि पत्र की प्रतिलिपियां एक से अधिक व्यक्तियों को भेजनी है तो उनका उल्लेख करना चाहिए। जैसे हम ईमेल लिखते समय CC डालते हैं, वैसे ही हाथ से लिखने में भी इनका प्रयोग करना चाहिए कि यह कॉपी आप या पत्र अन्य किस किस को भेज रहे हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख आलेखन में होना चाहिए। और प्रतिलिपियां, यदि पत्र की प्रतिलिपियां एक से अधिक व्यक्ति को भेजनी हो तो उसका उल्लेख भी करना चाहिए। संलग्न पत्र, यदि पत्र के साथ कुछ अन्य पत्र संलग्न करने हो तो उनका उल्लेख पत्र के नीचे अंत में अवश्य करना चाहिए, जिसे हम बोलचाल की भाषा में एनक्लोजर कहते हैं, जिसे हिंदी में संलग्न कहा जाता है। पत्र में आगे हम देखते हैं, पत्र में निम्नलिखित बातें अवश्य होना चाहिए। सबसे ऊपर संख्या दी जाए, उसके नीचे पत्र प्रेषक के कार्यालय का उल्लेख, अर्थात जो पत्र भेज रहा है, जिस कार्यालय से पत्र जा रहा है उसका उल्लेख होना चाहिए। उसके बाद पत्र लिखने वाले या प्रेषक का नाम और पद लिखा होना चाहिए। उसके बाद प्रेषित मतलब जिसको यह पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम, पता और पद लिखा जाना चाहिए। उसके बाद प्रेषक का पता और दिनांक लिखना चाहिए। इसके बाद छठवां पॉइंट है, इसके बाद पृष्ठ के बीच में विषय का उल्लेख किया जाए। यहाँ पत्र का सारांश एक वाक्य में दिया जाना चाहिए, अर्थात विषय बहुत छोटा किंतु स्पष्ट होना चाहिए। सातवां पॉइंट है, इसके बाद पत्र के प्रारंभ में बाईं ओर संबोधन लिखना चाहिए, अर्थात महोदय या महोदया। आठवां पॉइंट है, संबोधन के बाद बॉडी ऑफ द लेटर पूरा लिखना चाहिए, जिसमें पिछले पत्र का पत्र व्यवहार का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। और नवा और अंतिम पॉइंट है, पत्र के अंत में स्वनिर्देश तथा उसके नीचे हस्ताक्षर होना चाहिए। स्वनिर्देश अर्थात आपका विश्वासी या भवदीय या आपका शुभचिंतक, और उसके नीचे नाम और हस्ताक्षर होना चाहिए। सो यह इसकी बातें हो गई आलेखन की। आगे हम देखते हैं, यहाँ आपके लिए एक पत्र मैंने तैयार किया है, जिसे यहाँ आप देख रहे हैं एक ही पेज को मैंने दो भागों में बांट दिया है, जिससे आपको एक ही पेज पर समझ में आ जाए। और पत्र लिखते समय छात्रों इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पत्र एक पेज में ही खत्म होना चाहिए, इसका ध्यान आपको पत्र लिखना शुरू करने से पहले ही रखना चाहिए। सो यहाँ आप देख रहे हैं, जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की कि पहले पद का नाम, यहाँ आप देख रहे हैं प्रेषक, सेवा में प्रेषित, विषय महोदय, और यहाँ आप दूसरे पेज नंबर 2 देख रहे हैं, यहाँ उसको कंटिन्यू किया गया है और स्वनिर्देश दिए गए हैं, और यह किसको किसको कॉपी भेजनी है, ये सब कुछ आप यहाँ देख रहे हैं। तो मुझे आशा है यह उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अंत में हम कुछ विद्वानों की परिभाषाएं भी देख लेते हैं कि वे आलेखन के बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर महेन चतुर्वेदी का कहना है कि प्रारूप वस्तुतः प्रारूपण ही होता है, अर्थात पत्र का अंतिम रूप और इसे तैयार करने का कार्य प्रारूपण या आलेखन कहलाता है। डॉक्टर मोइनुद्दीन कहते हैं कि दफ्तरों में आवधि पर टिप्पणी कार्य समाप्त होने के बाद जो पत्र का उत्तर का प्रारूप तैयार किया जाता है उसे
मसौदा लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मसौदा लेखन टिप्पणी कार्य का अंतिम सोपान होता है, अर्थात आलेखन जो है वो टिप्पणी लिखने के बाद, टिप्पणी के बाद तैयार किया जाता है। और डॉक्टर रामचंद्र सिंह सागर का कहना है कि आवटी पर टिप्पणी कार्य समाप्त होने के बाद टिप्पणी के आधार पर आवटी का उत्तर देने के लिए जो प्रारूप तैयार किया जाता है उसे को आलेखन या मसौदा या प्रारूप तैयार करना कहते हैं। डॉक्टर ईश्वर दत्त शीरी कहते हैं कि सरकारी या निजी संस्थाओं में आए हुए पत्रों के उत्तर देने के लिए और सरकार की नीति निर्धारण संबंधी सूचनाओं, स्मारकों, ज्ञापनों और परिपत्रों आदि के प्रेषण के लिए टिप्पणी की यथोचित कार्यवाही के बाद अधिकारियों के आदेश पर अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा प्रालेख, ड्राफ्ट या आलेखन तैयार किया जाना प्रालेखन कहलाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विद्वानों ने आलेखन के विषय में कुछ परिभाषाएं दी जो हमें समझने में अधिक आसानी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आलेखन को लेकर किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ आप तीन प्रश्न देख रहे हैं, आलेखन किसे कहते हैं, परिभाषा सहित लिखिए। दूसरा प्रश्न हो सकता है आलेखन के कितने प्रकार होते हैं, नाम लिखिए। और तीसरा प्रश्न है हमारे जीवन में आलेखन की क्या उपयोगिता है। और दूसरी बात आपकी विशेष जानकारी के लिए कि आलेखन के अंतर्गत हम निम्न पत्रों का प्रारूप अथवा आलेख तैयार करना सीखते हैं या इसके अंतर्गत बताया जाता है। तो अब तक आप जो भी सरकारी पत्र, शासन आदेश, अर्ध सरकारी पत्र, अनुस्मारक पत्र, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन जो कुछ भी पढ़ते हैं वे सब आलेखन के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए यहाँ पर आलेखन के विषय में जानकारी पूरी होती है। और छात्रों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलिए। आगे हम देखते हैं टिप्पणी लेखन। टिप्पणी लेखन को अंग्रेजी में कहते हैं नोटिंग। परिभाषा देखते हैं कि किसी भी विचाराधीन पत्र या आवेदन पर उसके निष्पादन या डिस्पोजल को सरल बनाने के लिए जो टिप्पणियां सरकारी कार्यालयों में लिपिकों अर्थात क्लर्कों, सहायकों तथा कार्यालय अधीक्षकों द्वारा लिखी जाती है उसे टिप्पणी लेखन कहते हैं। टिप्पणी सरकारी कार्यालयों में कार्य संपादन का एक माध्यम है। कैलाश चंद भाटिया का कहना है कि हिंदी भाषा का प्रयोजन मूलक स्वरूप में टिप्पणी के तीन रूप बताए हैं। आवटी पर टिप्पणी अर्थात जो पत्र आता है उस पर टिप्पणी लिखी जाती है। फाइल पर टिप्पणी अर्थात उस पत्र को, किसी पत्र को फाइल में लिखा जाता है तो उसके ऊपर टिप्पणी करके या नोटिंग करके फाइल किया जाता है। और तीसरा है पत्राचार के रूप में टिप्पणी अर्थात सूचनाओं, संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए टिप्पणी लिखी जाती है और फाइल कर दिया जाए। पत्र मात्र सूचना के लिए, किसी भी विचाराधीन पत्र या आवेदन पर उसके निष्पादन या डिस्पोजल को सरल बनाने के लिए जो टिप्पणियां सरकारी कार्यालयों में क्लर्कों, सहायकों और कार्यालय अधीक्षकों द्वारा लिखी जाती है उन्हें टिप्पणी लेखन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि टिप्पणी लेखन में तीन बातें रहती है। पहला, उस पत्र से पूर्व के पत्र आदि का सारांश, जिस प्रश्न पर निर्णय किया जाता है उसका विवरण या विश्लेषण, और उस संबंध में क्या कार्यवाही की जाए इस विषय में सुझाव और क्या आदेश दिए जाए इस विषय में सुझावों का उल्लेख टिप्पणी के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात हम देखते हैं कि बड़े पत्र को समरी के रूप में पॉइंट वाइज लिखना टिप्पण कहलाता है और उसके अंतर्गत कुछ निर्णय लिए जाते हैं, कुछ सूचना देनी होती है या कुछ कार्यवाही की जाती है, वो सभी कुछ लिखा जाता है। अभिप्राय यह है कि टिप्पणी लेखन में विचाराधीन पत्र के बारे में वे सब बातें लिखी जाती है जिनसे उस पत्र के संबंध में निर्णय करने और आदेश देने में सुविधा होती है। उस विचाराधीन पत्र का पुराना इतिहास क्या है, उस संबंध में नियम क्या है, सरकारी नीति क्या है, ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं और टिप्पणी के द्वारा ये सारी बातें कुछ हद तक सरल और अप्रोचेबल हो जाती है, उस तक पहुंचना आसान हो जाता है जिससे काम जल्दी होता है।
इत्यादि सारी बातों का उल्लेख कर अंत में सुझाव देना चाहिए कि इस संबंध में अमुक प्रकार का निर्णय करना उचित होगा। इसके बाद वह पत्र निर्णय करने वाले उच्च अधिकारी के सामने रखा जाएगा। ऊपर दिए गए निर्देशों के साथ लिखे गए टिप्पण को पढ़कर उस अधिकारी को निर्णय करने में आसानी होगी। तो साथ ही साथ आप यह भी समझते जा रहे हैं कि टिप्पण लिखने का उद्देश्य क्या होता है और क्या फायदे होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे टिप्पण के संबंध में कुछ विशेष बातें, वे इस प्रकार हैं। पहला कि टिप्पण बहुत लंबा या विस्तृत नहीं होना चाहिए, उसे यथासंभव छोटा और स्पष्ट लिखना चाहिए। कोई भी टिप्पण मूल पत्र या ओरिजिनल लेटर पर नहीं लिखा जाना चाहिए, उसके लिए कोई अन्य कागज या वर्कशीट का प्रयोग करना चाहिए। टिप्पण में यदि किसी पत्र का खंडन करना हो तो वह बहुत ही शिष्ट और संयत भाषा में किया जाना चाहिए और किसी भी आदेश में किसी प्रकार का व्यक्तिगत आरोप या आक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। ये सारी बातें शिष्टाचार के अंतर्गत आती है, क्योंकि जो भी निर्णय लिया गया है किसी अन्य अधिकारी के द्वारा, वह अधिकारी भी एक प्रोसेस के थ्रू इस पद पर पहुंचा है और उसने निर्णय लिया है। यह निर्णय आपके विचार से उचित नहीं हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने यह निर्णय लिया है उसके हिसाब से वह सही है, अर्थात व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट है, यदि एक ही मामले में कई बात पर अलग अलग आदेश दिए जाने की आवश्यकता हो तो उनमें से हर बात पर अलग अलग टिप्पण लिखना चाहिए। टिप्पण लिखने के बाद लिपिक या सहायक को नीचे बाई ओर, बाई मतलब उल्टे हाथ की तरफ, न हस्ताक्षर करना चाहिए और दाई ओर का स्थान होता है उच्च अधिकारियों के हस्ताक्षर करने के लिए। छठवां पॉइंट है, कार्यालय की ओर से लिखे जा रहे टिप्पण में उन सभी बातों का, तथ्यों का सही सही उल्लेख होना चाहिए जो उस पत्रावली के निस्तारण के लिए आवश्यक हो। और सातवां पॉइंट है, यथासंभव एक विषय पर कार्यालय की ओर से एक ही टिप्पण लिखा जाना चाहिए। आठवां पॉइंट है, जहां तक संभव हो टिप्पण एक ढंग से लिखा जाना चाहिए कि पत्रावली में पत्र जिस क्रम में लगे हो टिप्पण भी उसी क्रम में क्रमवार लिखना चाहिए। टिप्पण सदा स्याही से लिखे या टाइप किए होना चाहिए, पेंसिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दसवां पॉइंट है, लिपिक क्लर्क सहायक और कार्यालय अधीक्षक को कागज की बाईं ओर अपने नाम के प्रथम अक्षरों अर्थात इनिशियल का ही प्रयोग करना चाहिए और उच्चाधिकारी को अपना पूरा नाम लिखना होता है। ग्यारहवां पॉइंट है, टिप्पण में ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए जिनके अर्थ को समझने में कठिनाई हो। सो इस प्रकार आपने देखा, यहाँ हम आप देख रहे हैं छात्रों, एक उदाहरण प्रश्न दिया गया है कि किस प्रकार से और क्यों टिप्पण लिखा। एक स्कूल प्रधानाध्यापक ने राज्यसभा सचिवालय के सचिव को पत्र लिखकर 20 नवंबर 2022 को होने वाले अधिवेशन में अध्यापकों के नेतृत्व में 950 छात्रों के साथ उपस्थित होने के लिए प्रवेश पत्रों की व्यवस्था के संबंध में प्रार्थना पत्र लिखा है। उस कार्यालय के लिपिक ने निम्नलिखित टिप्पण लिखा है। तो यहाँ यह आपको स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि मैसूर के एक स्कूल के प्राचार्य हैं जो चाहते हैं कि उनके स्कूल के छात्र उनके अध्यापकों के साथ जाएं और संसद भवन में पार्लियामेंट में जो कार्यवाही होती है, सदन चलता है, उसको देखने के लिए वे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनसे अंदर जाने के लिए प्रवेश पत्र मांगने की व्यवस्था के लिए पत्र उन्होंने कार्यालय में सचिवालय में दिया हुआ है। तो वहां का जो क्लर्क है वह प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए उस पत्र की टिप्पण इस प्रकार तैयार कर रहा है जिसका उदाहरण आप यहाँ देख रहे हैं कि वह लिख रहा है पत्र प्राप्त पत्र संख्या है 8 और पृष्ठांक है 9। यह पत्र अवसर महाविद्यालय, यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखा है क्योंकि आपको भी किसी भी विद्यालय या किसी भी संज्ञा सरोना का नाम नहीं लिखना है। यह पत्र अवसर महाविद्यालय प्राचार्य ने भेजा है जिसमें प्रार्थना की गई है कि उक्त महाविद्यालय के 950 छात्रों को 5 अध्यापकों के लिए राज्यसभा में दिनांक 20 नवंबर 2022 को होने वाले अधिवेशन सत्र में उपस्थित होने के लिए आवश्यक प्रवेश पत्रों की व्यवस्था की जाए। सो उस क्लर्क ने पत्र को संक्षिप्त में टिप्पण करके रख दिया है। प्रवेश पत्र वितरण संबंधी नियम संख्या 90 के अधीन हम उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सकते हैं, किंतु
हमें उक्त विद्यालय के प्रधान अध्यापक को यह सूचित करना होगा कि हमारी दर्शक दीर्घ विजिटर्स गैलरी में स्थान अत्यंत सीमित है, अर्थात एक साथ केवल 25 छात्र ही दीर्घ में उपस्थित रह सकते। ऑल पॉसिबल जवाब अधिकारी के पास से आना चाहिए, यह क्लर्क बना लेगा और वह अपने अधिकारी के पास यह टिप्पण आगे पहुंचा देगा। अगर वो अधिकारी को यह टिप्पण ठीक लगता है तो वे वैसा ही आगे कर देंगे, और नहीं तो उसमें कुछ सुधार करके या अपना कुछ नोटिंग उसमें वे टिप्पण कर देंगे। सो आगे है कि इसके लिए इन छात्रों को 25-25 के 6 समूह में विभक्त कर होकर ही दीर्घा में जाना होगा। हमें प्रार्थी को यह भी सूचित करना होगा कि जिन छात्रों के लिए प्रवेश पत्र की प्रार्थना की गई है उनमें से प्रत्येक का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, दिल्ली में ठहरने का स्थान इत्यादि भी सूचना प्राप्त होने पर ही प्रवेश पत्र जारी किए जा सकते हैं। साथ ही प्रत्येक छात्र के लिए पृथक प्रवेश पत्र जारी करने के स्थान पर यदि हम 25-25 के समूह के नाम एक एक प्रवेश पत्र बना दें तो इससे कार्य में अधिक सुविधा हो। और इस प्रकार से यह हम देखते हैं कि क्लर्क के द्वारा यह बना दिया गया है, टिप्पण बना दिया गया, तैयार कर दिया गया है और अधिकारी के पास दे दिया गया है। सो आदेशार्थ निवेदित है, इन्होंने दिनांक सभी कुछ लिख दिया है कि यह आदेश के लिए उच्च अधिकारी के आदेश के लिए तैयार कर दिया गया है। अगर आपको सब ठीक लगता है तो वह पास कर दिया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि सहायक अधिकारी और क्लर्क का नाम और हस्ताक्षर, दिनांक सब कुछ बाएं हाथ की तरफ है और दाएं हाथ की तरफ का स्थान खाली है। जो उच्च अधिकारी इसमें कुछ संशोधन करना चाहेगा तो करेगा या इसी को पास कर देगा तो वह सब कुछ जो भी करना है उसे वह करके अपना हस्ताक्षर करके इसे पारित कर देगा। सो यह आपको इस नमूने के द्वारा, इस प्रश्न के द्वारा, टिप्पण के द्वारा, अर्थात जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया उसके द्वारा टिप्पण क्या है, कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, अच्छी तरह समझ गए होंगे।